हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सफराबर है आकाश सोनी, इन्होंने कमेंट में पूछा है इनकी बाइक बंद होना रुकी नहीं, यानी बंद होती है, बार बार बंद होती है। इन्होंने डिटेल में नहीं कहा, लेकिन बंद होती है, घेर डालते समय बंद होती है या चलते समय बंद होती है, इन्होंने डिटेल में नहीं कहा, लेकिन हम लोग सोच के चलते बंद होती है। इन्होंने एक्चुअली और ऐड किया है, इन्होंने इंजन का काम भी किया है, मैंने काम किया है, लेकिन बाइक बंद होना नहीं रुकी। और एक बात बोला, कोई को लोग कहते हैं ऐसा, इन्होंने कहा है, कोई को लोग कहते हैं कि हेड क्लीन करना पड़ेगा, जिसे मैं हेड आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये अलग है, ये जो चीज़ है ये हेड है, ये हेड है, तो हेड को क्लीन करना पड़ेगा, ऐसे कोई को लोग कहते हैं, ऐसे इन्होंने पूछा है। तो दोस्तों, बाइक बंद होने के अलग अलग कारण है। जैसे इन्होंने कहा है कि इन्होंने बाइक का इंजन का काम किया है, फिर भी बंद हो रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो मैकेनिक ने इंजन का काम किया उसके पास आपको जाना है और बता देना है आपने काम किया, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपने ठीक से काम नहीं किया, ठीक से काम करके दे दो, बाइक बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको कहना पड़ेगा। चलो, वादा नहीं, हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाते, बाइक बंद हो जाती है, भले से इंजन का काम किया हो चाहे ना किया हो, बंद क्यों हो जाते हैं इसके बारे में हम लोग बात होते हैं। दोस्तों, बाइक बंद होने का अलग अलग कारण होता है। जैसे कोई कोई कमेंट में पूछते हैं पहले गियर में बाइक बंद हो गई, कोई कोई बोलते हैं सेकंड गियर डालने के समय बाइक बंद हो गए, कोई कोई बोलते थर्ड गियर में बाइक बंद हो गए, यानी गियर की बात भी होती है। उसके बाद और कभी बाइक बंद हो सकती है, समझो आपकी कार्बोरेटर वाली बाइक होगी या FI फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर का अगर लिक्विड सही मात्रा में नहीं होगा रेशियो, या कार्बोरेटर का जो फ्यूल सप्लाई होता वो ठीक से नहीं होता, कचरा बिचरा जमा हुआ रहेगा, यानी कार्बोरेटर अगर खराब हुआ रहेगा उसको सफा करना पड़ेगा, अलग अलग कारण इसके वजह से भी बाइक बंद हो जाते हैं। भले से आपने बाइक का काम किया इसे मेंशन किया है, लेकिन बाइक अभी अभी आपकी बाइक बंद होने का क्या क्या कारण होता है। जैसे कोई कोई लोग हेड के बारे में बोले, तो हेड में वॉल होता है, दो वॉल होता है, इसका भी अगर सही मात्रा में फिटिंग नहीं रहेगा, लूज भी होगा या ज़्यादा फिर भी होगा, फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है बाइक बंद होने का। तो इनका आपकी बाइक कौन से CC के है, उसका हेड कैसे, क्योंकि अलग अलग CC का जो अलग अलग प्रकार का हेड होता है, उसका जो वॉल होता है, अलग अलग फिटिंग का बात होता है, उसका फिटिंग करना पड़ेगा सही मात्रा में। जो मैकेनिक है उसको अगर पता रहेगा ऐसे ऐसे CC वाली बाइक है कौन सी, आपने पता है ना हीरो की है, होंडा की है, बजाज की है, क्या है, कम ज़्यादा CC का है, उसके अनुसार आपको हेड में जो वॉल होता है उसको सही फिटिंग करना पड़ेगा। वो भी अगर सही फिटिंग नहीं होगा तो इंजन आ जाएगा और आपकी बाइक बंद हो सकती है। जैसे मैंने बताया, कार्बोरेटर भी सफा करके देखे, उसमें पावर फ्यूल सप्लाई ठीक से होता है या नहीं उसको भी देखे, कार्बोरेटर की बाइक हो गया तो उसका नीचे का वॉल है कार्बोरेटर है वो भी सफा करे, उसका जेट होता है वो भी सफा करे, यानी फ्यूल सप्लाई निकलना चाहिए। अगर FI की बाइक होगी, BS6 की, तो आपको उसका जो लिक्विड है वो सही मात्रा में है क्या ना है उसको, यानी बीच में कुछ ने कुछ फ्यूल सप्लाई को बंद हो रहा है, इसके वजह से बाइक आपकी बंद होती है, ये भी मात्रा होता है। और दूसरा कारण देखते, जैसे कोई कोई लोग मुझे पूछते हैं पहला गियर डालते समय बाइक बंद हो गई, सेकंड में, थर्ड गियर, ऐसा होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, सभी गियर का एक लिमिट होता है, भागने का, रनिंग होने का एक लिमिट होता है। समझो आपने चौथा गियर में चला रह ले और कुछ स्पीड ब्रेकर है या कुछ कारणों की वजह से आपको बाइक को स्लो करना है, तो आपको बाइक का स्पीड के अनुसार गियर को डाउन करना पड़ेगा। एक ही गियर ऐसा नहीं, आपने ज़्यादा स्लो किया तो सेकंड में भी आना पड़ेगा, फर्स्ट में भी आना पड़ेगा, यानी एक लिमिट होता है, उसके अनुसार आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा। अगर आप सही मात्रा में डाउन नहीं करते, स्पीड आपने कम किया, लेकिन चौथे से तीसरा गियर में आ गए, तो आपका बाइक का इंजन बंद होने वाला है। यानी कहने का मतलब अलग अलग कारण है बाइक बंद होने का, तो उसमें आपका जो गियर होता है सही मात्रा में होना चाहिए, उसके वजह से भी बाइक बंद हो सकते हैं। आपका जो स्पीड कितना है उसके अनुसार ही बाइक चलनी चाहिए। जैसे मैं लो CC के बारे में बात बता, पहला गियर होता है वो स्टार्ट करने के लिए है, स्टार्ट करने के बाद 4-5 नंबर जाने के बाद आपको सेकंड गियर में जाना है, बाद में जैसा स्पीड लेके आपको थर्ड फोर्थ वगैरह जाना है। आपने अगर स्लो किया और गियर डाउन नहीं किया, चौथे नंबर से तीसरे में आ गया, फिर भी बाइक बंद हो जाएगी, आपको सेकंड में आना पड़ेगा, यानी स्पीड के अनुसार। यानी अलग अलग कारण है बाइक बंद होने का। या लास्ट वाला कारण, आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकता है, आपका अगर क्लच, रेस, गियर,
और जो ब्रेक है इनका कोऑर्डिनेशन समन्वय अगर ठीक से नहीं होगा फिर भी बाइक गड़बड़ी से बंद हो सकते हैं। झटके में अगर आप क्लच छोड़ दे फिर भी बाइक बंद हो सकते हैं। यानी बंद होने के अलग अलग कारण है। आपने कमेंट में पूछा बाइक का काम किया है, सभी कुछ चेक किया है लेकिन बाइक बंद होने का नाम नहीं लेती, तो आपको हेड क्लीन करने की गुजारिश किया है तो वो भी कर सकते हैं। हेड में क्या होता है, हेड में कुछ नहीं होता है, हेड में स्पार्क प्लग होता है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। स्पार्क प्लग अगर ब्लैक हुआ रहेगा तो बाइक बंद हो जाएगी। थोड़ा सा ऑयल डालो, मामूली 2-3 बूंदे स्पार्क प्लग निकाल के स्पार्क प्लग को ठीक करिए और करके चालू करके देखो बंद होता है क्या ना। या आइडल सेटिंग अगर आपका नहीं रहेगा फिर भी बाइक का इंजन बंद हो सकता है। आइडल सेटिंग का मतलब क्या होता है, एक मिनट में आपका जो पीछे का रियल व्हील है कितने बार घूमता है। आपका लो सीसी का होगा तो 1400 का आरपीएम सेटिंग होना चाहिए, 1200 से 1500 का बीच में। या अगर कम ज़्यादा होता है तो आपका बाइक का इंजन बंद होने वाला है। कारण अलग अलग है, जैसे मैं एक्सप्लेन ने आपको वीडियो भले से लंबा हुआ रहेगा लेकिन एक्सप्लेन करके आपको सही बात बता दिया है। इनमें से सही बात कौन सी है ये आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है। डायरेक्टली हेड क्लीन करके फायदा नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ कारण है। अगर नज़दीक होते तो मैं ठीक कर देता था। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने वीडियो के माध्यम से बनाने की कोशिश की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा। जय हिंद, वंदे मातरम।